असलम आई एम उसामा बिन कमर योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्राम ट्रो योर डॉट पी के स्टूडेंट्स हम लोग बात करें चैप्टर ट्वेंटी के अटोमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है अटोमिक स्पेक्ट्रम को थोरोली अब हम लोग देखेंगे कि अनसर्टेनिटी विद इन द एटम क्या होती है और कैसे अनसर्टेनिटी को फाइंड किया जाता है एटम के अंदर किसी भी पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन के लिए आइए इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अनसर्टेनिटी को इन द एटम फाइंड कर सकते हैं वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मैटर की जो ड्यूअल नेचर होती है स्टूडेंट्स वो एक फंडामेंटल लिमिटेशन है अगर हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी की कि जो साइमलटेनिस मेयरमेंट होती है स्टूडेंट्स किसी भी पोजीशन या मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल की वो एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है एक फंडामेंटल लिमिटेशन है स्टूडेंट्स जो कि एक्यूरेसी बताती है किसके लिए पोजीशन के लिए और मोमेंटम के लिए हाजनबर्ग ने हमें शो करवाया है बाय यूजिंग द इक्वेशन के हम लोग अनसर्टेनिटी के थ्रू जो पोजिशन में अनसर्टेनिटी होगी या फिर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एच एवर टू पाए जो कि कॉन्स्टेंट है हमारे पास एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है और इससे हम लोग अनसर्टनिटी इन पोजिशन या मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं ये हमें मुतारफ़ करवाया है हाइजनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हाउ एवर दीज लिमिटेशंस आर सिग्निफिकेंट इन द रैम ऑफ एटम एटम के रैम के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो ये लिमिटेशन सिग्नीफिकेंट हैं कैसे सिग्निफिकेंट है आइए इसको स्पेसिफाई करते हैं वन इंटरसेक्टिंग क्वेश्चन इज वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियर हम लोग ये बात अक्सर सोचते हैं साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि क्या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटोमिक न्यूक्लियर यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एज अ टिपिकल न्यूक्लिया आर लेस देन टेन रिस्ट पॉवर माइनस फोर्टीन इन डायमीटर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिया इसका वह है टेन रिस्ट पॉवर माइनस फोर्टीन से लेस फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड विद इन सच ए न्यूक्लियस द अनसर्टेटी इन इट्स पोजिशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन एस्ट पॉलर माइनस फोरटीन मीटर तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर की बात करें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की तो वहाँ पर हम लोग अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन जो फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स वो किस ऑर्डर की होती है टेन डिस्ट पॉर माइनस फोर्टीन मीटर की द कॉरस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी इन द इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी होती है स्टूडेंट्स उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो जो पोजिशन की वैल्यू होगी चेंज इन पोजिशन डेल्टा एक्स वो राइट एंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं कॉन्सटेंट्स की और जो हमारे पास गिवन होंगी पोजीशन के लिए हम लोग एच की वैल्यू पुट करते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वार माइनस थर्टी फोर जाउल सेकेंड ये हमारे पास एच ब्लैक कॉन्सटेंट की वैल्यू है नीचे हम लोग पोजीशन की वैल्यू पुट करते हैं जिसमें हम लोग डाया की वैल्यू को पुट करेंगे न्यूक् के टेन स्क्र माइनस फोर्टीन मीटर इसके कैबलेट हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो होगी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन स्टॉर माइनस ट्वेंटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हमारे पास मोमेंटम के लिए वैल्यू है जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स मोमेंटम हमारे पास जनरली किसके इक्वल होता है एम डेल्टा वी के तो अगर हम यहाँ से डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहें तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे डेल्टा पी जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा मैस किसके साथ मोमेंटम के साथ डेल्टा पी मोमेंटम की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की वो पुट करेंगे और साथ ही हम लोग मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे जो कितना है नाइन पॉइंट इलेवन मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर माइनस थर्टी वन के जी ग्रेटर और इक्वल टू सेवन पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई पावर टेन मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स ये किसके लिए विलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कि जिस विलासिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अपने किसी भी ऑर्बिट के अंदर फर्दर चलते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स हैंस फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड टू अ न्यूक्लियस इट्स स्पीड वुड हैव टू बी ग्रेटर टेन पावर टेन मीटर पर सेकेंड हम लोग ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड रहे न्यूक्लियस के अंदर तो उसको स्पीड जो चाहिए होगी स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होगी टेनिस्ट पावर टेन मीटर पर सेकेंड से फॉर एक्जाम्पल अगर हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स उससे भी ग्रेटर होगी इलेक्ट्रॉन की स्पीड न्यूक्लियस के अंदर अगर उसने एग्जिस्ट करना है बिकॉज दिस इज इंपॉसिबल ये एक इम्पॉसिबल फैक्ट है वी मस्ट कंक्लूड दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी फाउंड इन साइड ऑफ अ न्यूक्लियस तो हम लोग इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू ये चीज़ आखज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करना पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा बट कैन एन इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन साइड द एटम तो क्या जो एटम है स्टूडेंट्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किस जगह पर पाया जाता है टू फाइंड दिस वी अगेन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इफ इट टर्न्स टू बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट वी हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम बट आउटसाइड द न्यूक्लियस तो अगर हम लोग दोबारा कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को और हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है स्टूडेंट्स वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है एटम के अंदर तो हम लोग ये रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड लेकिन एटम के अंदर ही पाया जाता है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन एस्ट माइनस एलेवन मीटर ये हमारे पास रेडियस होता है हम लोग अगर अनसर्टेटिव प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं मोमेंटम पर तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम क्या आएगा डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स ये हमारे पास हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल्टा पी हमारे पास इक्वल होता है एम डेल्टा वी के तो डेल्टा वी अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करना चाहें तो डेल्टा पी की वैल्यू के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे मैस एम को हमारे पास विलॉसिटी आएगी उसी तरह हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर एन एटम डेल्टा एक्स अगर एटम की पोजिशन के बारे में देखा जाए जो हमें क्या दे रहा है वैल्यू फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर माइनस एलेवन मीटर तो हम लोग डेल्टा एक्स की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे जो कि मैथ के साथ मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स प्लान कांस्टेंट एच की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी उसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्पीड की strength, वो क्या होगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट फोर सिक्स मल्टीप्लाई पर सेवन मीटर सेकंड दिस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट की हाइजनबर्ग प्रिंसिपल से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेस देन है स्पीड ऑफ लाइट से देर फोर फिर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो एटम के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस कैलकुलेशन के मुताबिक ये बात भी प्रूव की कि जो है स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो पाया जाता है कि इसके अंदर एटम के अंदर देयर फोर इट कैन एग्जिस्ट इन द एटम बट आउटसाइड द न्यूक्लियस तो लास्टली हम लोग ये बात कहते हैं स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने प्रूव की कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस क्यों क्योंकि वहाँ पर उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है न्यूक्लियस के अंदर रुकने के लिए या रहने के लिए सो so, स्टूडेंट्स हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हम लोगों ने ये प्रूव किया कि जो अनसर्टेनिटी है विद इन द एटम वो कितनी होती है और क्यों होती है और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या मोमेंटम है वो अपने पोजीशन और मोमेंटम के लिहाज से एटम के अंदर कहाँ पाया जाता है ये हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा थैंक यू